हेलो एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड वेलकम यू ऑल टू पीएनएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का है, उसके मैथ और रीजनिंग की प्रिपरेशन आप बेसिक से अच्छे तरीके से कैसे कर पाएंगे। सारी डिटेल में स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन से पॉइंट पे फोकस करना चाहिए, किस बुक से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, साथ ही आपको कौन से मॉक टेस्ट लेने की ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा स्ट्रेटजी क्या होने वाला है इस एग्जाम के रिलेटेड। तो जब भी आप इस एग्जाम के बारे में सोचते होंगे तो आपको ये समझ नहीं आता होगा कि हमारा आखिर जो प्रिपरेशन है वह क्या होना चाहिए, उसमें मुझे क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल में बताया नहीं गया। तो सबसे पहले अगर हम मेरे अनुसार अगर किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो सबसे पहले ये ज़रूरत होता है कि हम उस एग्ज़ाम के सिलेबस को समझें कि आखिर एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर पैटर्न को एनालाइज करते हैं कि जो हमारा पैटर्न है पिछले साल का, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी समझना इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद हम बुक डिसाइड करेंगे कि किस बुक से हमें प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। फिर हम एक मॉक टेस्ट किसी भी प्रोडक्ट का लेते हैं ताकि हम और जो सारे जो कैंडिडेट प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ हम अपना कंपैरिजन कर सके कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ उनके सामने। तो चलिए इन्हीं चार टॉपिक पे मैं भी डिस्कशन आपको इस वीडियो में करके बताने वाला हूँ सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आइए सिलेबस को समझ लेते हैं। तो सिलेबस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चूंकि हम इस क्वेश्चन में जनरल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ और रीजनिंग की बात कर रहे हैं तो ये मैं जनरल एप्टीट्यूड में ही मैथ और रीजनिंग दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग से आपके जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये क्वेश्चन होगा टोटल 25 मार्क्स का, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गए आपके 25। अभी मैं और सारे सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में केवल और केवल मैथ रीजनिंग को डिस्कस किया है। और भी सब्जेक्ट के बारे में आप डिस्कशन चाहते हैं तो आई बटन पे लिंक है, आप देख सकते हैं, सारी वीडियो वहाँ पे डाली गई है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर पैटर्न क्या था। तो प्रीवियस ईयर पैटर्न जो एग्ज़ाम ये था पिछले साल 2017 में, यानी कि अभी 2022 है, तो लगभग 5 साल पहले ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था और उस टाइम ये जो एग्ज़ाम था वो ऑफलाइन था, लेकिन इस बार ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है जैसा कि नया नोटिफिकेशन में बताया गया था, ठीक है। तो अगर हम पिछले साल को एनालाइज करें तो पिछले साल मैथ से 18 क्वेश्चन और रीजनिंग से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, जिसका वेटेज 22 और 28% था। यानी कि मैथ से आपके जो क्वेश्चन थे वो 22% और रीजनिंग से 28% क्वेश्चन थे। टोटल 25 में 18 क्वेश्चन मैथ से और रीजनिंग से 7 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। टोटल 25 क्वेश्चन उस टाइम भी था 2017 में भी, और इस टाइम भी 25 ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए ये चीज़ें आप समझ गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप समझ गए और इस बार का आप सिलेबस क्या है दोनों आपका सेम ही है ये भी आप समझ गए होंगे। तो अब हम इसके रिगार्डिंग कौन से बुक्स इम्पोर्टेंट है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो चूंकि हम मैथ और रीजनिंग दोनों के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं तो मैथ के लिए मैं बुक रिकमेंड करूंगा कि राकेश यादव की एक क्लास नोट्स बुक आती है और इसमें केवल और केवल अरिथमेटिक पे आपको फोकस करना है, ठीक है, केवल और केवल अरिथमेटिक पे। एडवांस मैथ यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल भी एडवांस मैथ पे फोकस ना करें। उसके बाद रीजनिंग में अगर हम बात करें तो रीजनिंग में एक RS अग्रवाल की बुक आती है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ये अगर आप कर लेते हैं तो आपके रीजनिंग के लिए सफिशियंट है, ठीक है। वैसे अगर आपने रीजनिंग की तैयारी पहले से कर रखी है तो ये बुक लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप केवल मॉक टेस्ट देंगे तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग से केवल और केवल 7 ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं, वो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड लेवल बैंकिंग टाइप के लेवल का रीजनिंग आता है, सिंपल सोबर रीजनिंग आपका यहाँ पे पूछा जाता है। तो चलिए बुक समझ गया, अब आइए यहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं। ये मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो मैंने दोनों बुक आपको दिया है इनका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जब आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी बुक्स जो मैं बताता हूँ उनके PDF, करंट अफेयर्स की PDF, सारी चीज़ें मिलती हैं। क्या क्या चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पर मेरे प्रोवाइड कराई जाती हैं
वो आप देख लें। डेली वहाँ पे करंट अफेयर्स डेली 5 न्यूज़पेपर में प्रोवाइड कराता हूँ पीडीएफ में। इंग्लिश का एडिटोरियल जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वोकैब के लिए और जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है उसके लिए। मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, डेली अपडेट मिल जाता है, एग्जाम पे कोई भी एग्जाम हो उसके लिए अपडेट क्या है वो मिल जाएगा। कोई भी नई गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है वहाँ पे अपडेट मिलेगा। मंथली करेंट अफेयर्स और सारे इंपॉर्टेंट बुक्स आपको इस एग्जाम से रिलेटेड हैं वो मिल जाते हैं। साथ में आपको ईयरली करेंट अफेयर्स और 24x7 चैट सपोर्ट भी आपको वहाँ पे मिल जाता है। तो ये सारे बेनिफिट है। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए, ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप करने चाहिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको VVI टॉपिक्स जो हैं उनको मार्क कर देता हूँ। नंबर थ्योरी, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, LCM, HCF, एरिया, यहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन से हो सकते हैं क्वेश्चन आए ना आए, अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर नहीं भी आ सकते हैं अलजेब्रा से, ये एडवांस मैथ का पोर्शन हो जाता है। प्रॉब्लम्स ऑन एज एवरेज से आएगा, बूट प्रॉब्लम से, मिक्सचर एलिगेशन से, डिस्काउंट से, ठीक है आपको। उसके बाद यहाँ पर पार्टनरशिप से क्वेश्चन पूछने को मिल जाएगा, परसेंटेज से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे पाइप्स एंड सिस्टम से क्वेश्चन आ जाएगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, प्रॉफिट लॉस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, ठीक है, वर्क एंड वेजेज, रेशियो प्रोपोर्शन, रिमेंडन थ्योरम, स्पीड डिस्टेंस टाइम, टाइम एंड वर्क, सर्च एंड इंडिसेस, ये सारे जो टॉपिक हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। जो मैंने टिक किया है वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ का सारे, इसमें सारे टॉपिक मैथ के हो गए। अब हो गए, बात कर लेते हैं हम रीजनिंग की, ठीक है। तो रीजनिंग में आपके पजल आ जाता है, पेपर फोल्डिंग, मिरर वाटर इमेज, ऑड वन आउट, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, सिलोगिज्म, कैलेंडर, कॉज एंड इफेक्ट, क्लॉक्स, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, रीजनिंग, आर्टिफिशियल लैंग्वेज, ये सारे जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं रीजनिंग के टॉपिक, ये आप कर लीजिएगा, वो बुक में आपको मिल जाएगा। पहले से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन सभी चीज़ों का आपको आइडिया होगा ही। चलिए अब हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज की, कौन से मॉक टेस्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मार्केट में जब आएंगे आप देखेंगे तो बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, लेकिन कहीं पे भी आपको इस पार्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड मॉक टेस्ट देखने को नहीं मिलते हैं। केवल और केवल ओली बोर्ड एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो आप ओली बोर्ड परचेज कर सकते हैं अपने मॉक टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए। ओके चलिए, ये सारी चीज़ें आप समझ गए, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने कंप्लीट डिस्कशन किया है इस वीडियो के बारे में कि कौन कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से मॉक टेस्ट लेने चाहिए, किस किस टॉपिक पे हमें फोकस करना चाहिए, मैथ से कितने परसेंटेज आ रहे हैं और साथ में रीजनिंग से कितने कम परसेंटेज पूछे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। आई होप आपको एग्जाम में ये सभी चीज़ें हेल्प करेंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। साथ में अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।